नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानना प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि आखिर कौन सी दिशा में होगा मेरा विवाह, कौन सी दिशा में मेरा जीवन साथी कर रहा है मेरा इंतजार। जिन व्यक्तियों का विवाह हो चुका है वो भी क्रॉस चेक कर ज्योतिष एक सत्य विज्ञान है इस बात को देख सकते हैं। प्रत्येक कन्या या बालक जब विवाह अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं तो मन में यह बात अवश्य होती है कि किस दिशा में छुपा है मेरा जीवन साथी, किस दिशा में होगा मेरा विवाह। मित्रों, ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं आपके जीवन साथी की दिशा पर 100% सटीक सिद्ध होगी। विस्तृत जानकारी प्रारंभ करने से पहले मित्रों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मित्रों, इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक रोज ऐसी ही रोचक जानकारियां पहुंचाते हैं। व्यक्ति के विवाह की दिशा के बारे में ज्योतिषाचार्यों के मतों में भिन्नता पाई जाती है, किंतु सैकड़ों कुंडलियों के अध्ययन के पश्चात हमारा रिसर्च ज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र जिस राशि में होते हैं विवाह उसी ग्रह के स्वामित्व वाली दिशा में होता है। दिशा ज्ञान आप अपने जन्म स्थान से ही करें जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है। आपकी जन्म कुंडली अनुसार यदि आपका मेष लग्न है यानी लग्न में नंबर 1 लिखा हुआ है तो आपके विवाह की दिशा दक्षिण या पूर्व होगी। अगर आप वृष लग्न के जातक है यानी लग्न में 2 नंबर लिखा है तो आपके विवाह की दिशा दक्षिण दिशा है। मिथुन लग्न यानी लग्न में नंबर 3 लिखा हुआ है तो आपका विवाह पूर्व या उत्तर दिशा में होगा। अगर आपका लग्न कर्क है यानी लग्न में नंबर 4 लिखा है तो आपका जीवन साथी पश्चिम दिशा में कर रहा है आपका इंतजार। सिंह लग्न यानी लग्न में नंबर 5 लिखा हुआ है तो आपके विवाह की शहनाइया पश्चिम दिशा में करेगी आपकी मनुहार। अगर आपका लग्न कन्या है यानी लग्न स्थान में यदि 6 नंबर लिखा हुआ है तो पूर्व या उत्तर दिशा में प्रारंभ होने वाला है आपका नया जीवन। तुला लग्न यानी लग्न स्थान में नंबर 7 लिखा हुआ है तो दक्षिण दिशा में कोई कर रहा है आपका इंतजार। यदि वृश्चिक लग्न के जातक हैं आप यानी लग्न में लिखा है नंबर 8 तो दक्षिण या पूर्व दिशा में होने जा रही है आपके नए जीवन की मनुहार। अगर आपका लग्न धनु है यानी लग्न में लिखा है नंबर 9 तो उत्तर दिशा में बनेगा आपका नया खुशहाल परिवार। मकर लग्न यानी लग्न में लिखा है नंबर 10 तो उत्तर या पश्चिम दिशा में पलके बिछाए कोई कर रहा है आपका इंतजार। अगर आपका लग्न है कुंभ यानी लग्न में लिखा है नंबर 11 तो पूर्व दिशा में हो रहा है आपके विवाह का इंतजार। और अंतिम लग्न यानी मीन लग्न, अगर लग्न में लिखा है नंबर 12 तो उत्तर दिशा में कोई कर रहा है आपका इंतजार। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, बताई गई दिशा आपको स्वयं के जन्म स्थान से देखनी है। जिन कन्या या बालकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है वह तो अपने विवाह पश्चात ही बता सकते हैं कि यह प्रेडिक्शन सही है या गलत, किंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा उन व्यक्तियों को जिनका या तो विवाह हो चुका है या विवाह पक्का हो चुका है, वह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि यह गणना कितने प्रतिशत आपके ऊपर सत्यता दर्शाती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।